महादेव को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज हमारी संस्कृति का, हमारी मान्यता का, हमारा परंपरा का बहुत बड़ा दिन है, महादेव जी को वंदन करते हुए राष्ट्र के बहुत बड़े निर्माता, परम राष्ट्र भक्त, महान समाज सुधारक, जिनका हम सब लोग 200वां जन्म जयंती मना रहे हैं, उस विचार को लेकर, जिस विचार ने लगभग 150 साल पहले जन्म लिया हो, और वो विचार न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व समुदाय में, मैं अभी धर्मवीर जी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि संख्या बल मायने नहीं रखता, विचार मायने रखता है। 150 साल पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो विचार लिया, उन्होंने न केवल राष्ट्र निर्माण में बल्कि समाज सुधार में और मानवता के पुरोधा के रूप में आज पूरे विश्व समुदाय को मार्ग दिखा रहा है, उनका मार्गदर्शन कर रहा है। आप और हम कल्पना कर सकते हैं, जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अपने विचार को अपने लोगों तक पहुंचाना अपने आप में चुनौती थी, मन की बात को बहुत अच्छे से कहने में भी पाबंदी थी। उस समय बहुत बड़े संत का उदय हुआ और इस देश को सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, तात्या टोपे जैसे न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभक्त दिए, जिसकी बदौलत हमारा देश आजाद हुआ। आप कल्पना करिए, एक समय था विधवा के पुनर्विवाह को लेकर, सती प्रथा के चलन को, और उस समय इन सब चीजों को रोकना अपने आप में बहुत तेजी से बहते हुए पानी को रोकने के बराबर था, यह छोटा काम नहीं था। और अभी दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आडंबर का सहारा लेते हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमजोरी होती है, जो काम नहीं कर पाते वो जाकर जादू टोना और आडंबर का सहारा लेते हैं, ये बात दयानंद सरस्वती जी ने उस समय प्रमुख रूप से विरोध किया। कल्पना करिए, कोई महिला विधवा हो जाए, क्या दोष है कोई विधवा हो गई तो? क्या उसने अपने पति का गला दबाकर अपने आप को विधवा किया? उस समय के आडंबर को देखिए, अगर वो विधवा किसी को चलते हुए को बोल दे, अपने काम के लिए मदद मांग ले, तो चलता आदमी अपने आप को अपशगुन समझता था। वो किसी को चलते रास्ते में मिल जाए तो अपने आप को बुरा दिन मानता था, खास गई छींक गई। आप मुझे बताइए, जिन्होंने जन्म लिया है खांसी आना, छींक आना, मदद मांगना, ये सब मानवीय स्वभाव है। कैसा कैसा उन्होंने आतंक झेला होगा, कैसा उन्होंने बहिष्कार झेला होगा, कैसा कैसा अपमान उन समय महिलाओं ने झेला होगा। संत का उदय हुआ और उन्होंने विरोध किया, उस अपमानित, अपेक्षित, वंचित हमारी मातृशक्ति को उचित सम्मान देने का काम भी महर्षि जी ने किया। शिक्षा की जरूरत हुई तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी परंपराएं क्या कहती हैं, हमारे मूल्य क्या कहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को तैयार किया। और जो देश हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया में, जो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें 3 के मुखिया हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, ये छोटी बात नहीं है। मोदी जी भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित होकर आज हमें एक राजा के रूप में मिले हैं, ये भी दयानंद सरस्वती जी की उपज है। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, न केवल उन्होंने बाल विवाह को, न केवल उन्होंने विधवा विवाह को,
न केवल सती प्रथा का विरोध किया बल्कि एक जीवन को मजबूती देते हुए एक बात कही थी, आदमी को जब ग्रहण करने में तकलीफ हो ना तो सोच लेना वो आपको कुछ नहीं दे सकता। ये नियति को आज भी मंजूर है, जो आदमी ग्रहण नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, वो कभी दे नहीं सकता, फिर वो आडंबर करेगा। और ऐसा ही आडंबर हमारे इस बहरोड क्षेत्र के किसी लोगों ने कलंकित करने का दुष्प्रचार और दुसाहस कर रखा है। हम अगर इस मन से हमारे क्षेत्र की, हमारे इलाके की अगर चिंता नहीं करें तो आने वाला कालखंड भी हमसे पूछेगा कि आप हमारे अतीत की चिंता कर रहे थे, आप हमारे को अपने दयानंद सरस्वती जिन जो दिया उसका आप जिक्र कर रहे थे, पर क्या हो गया? बड़ा यक्ष पर्सन बनता है कि आप अपनी भी चिंता करिए, क्षेत्र की चिंता करिए, इलाके की चिंता करिए कि यहां पर कौन आडंबरी है जो आडंबर कर रहा है। आप और सब भली भांति इस बात को जानते हो। आपको जैसलमेर जाकर, आपको जगह जगह जाकर दौड़ लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपके पास इतना समय है कि आप यहां पर इतनी बड़ी आबादी का अगर नेतृत्व कर रहे हो, इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 150 गांव का आप नेतृत्व करते हो और आपके पास इतना समय बचा हुआ है, क्यों ले रहे हो आडंबर का सहारा? क्यों जनता को बेवकूफ बनाते हो? महर्षि दयानंद जी ने जो सिद्धांत दिया, जो विचार दिया, उसका आप उनको मनन करना पड़ेगा। और जब अपन मनन करेंगे तो हम मौजूदा हालात में कौन लोग हैं जिस जो आडंबर का सहारा ले रहे हैं? हमको उनको मजबूती से विरोध करना पड़ेगा और करना चाहिए साहब। ये कार्यक्रम क्यों करते हैं अपन? 200वीं जन्म जयंती को हम मना रहे हैं तो हमारे पर यह भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप कल्पना करिए आज हमें यह गलत को गलत कहने में इतना डर क्यों है? और जब आज हम इतने डर है तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किस कालखंड में चीजों को बदलने का काम किया उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। कितना उन्होंने जुल्म सहे होंगे, कितना उन्होंने विरोध सहा होगा और कितनी बार उनका मन मरा होगा, लेकिन इस देश को जिंदा कर गए, मानव समाज को जिंदा कर गए। दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आडंबरी लोगों को पहचानना होगा, आडंबरी लोगों के खिलाफ अपन को भी बड़ा शंखनाद करना पड़ेगा। और जीवन में अगर कुछ गलत हुआ तो अपने जीवन की आहुति समझना कि हमने हमारे क्षेत्र के लिए, हमने हमारे बहरोड के लिए, हमने हमारे इलाके के लिए अपने आहुति दे दी। इससे भी आपको पीछे नहीं हटना है। यहाँ विद्वत समाज के, आर्य समाज के विद्वत जन उपस्थित हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा वंदन। और आज देवों के देव महादेव की जय, अपना खास अवसर को सब मना रहे हैं। महादेव जी आपके ऊपर खूब कृपा रखें, समृद्धशाली जीवन आप जिए, बहुत ही प्यार और साहस के साथ, बहुत ही संयम के साथ, समाई के साथ आप भी हम मेरा मार्गदर्शन करते रहे। भारत माता की, भारत माता की।